दोस्तों आज की वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इससे पहले सेट 1 हम आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट करवा चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। पहले चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करके नेक्स्ट आप जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे टोटल जो है ऐसे क्वेश्चन लिया गया है, सारे कुछ मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारे चीज़ों से गेस करके ये क्वेश्चन बनाया गया है कि यही से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 सेट हम आपको देंगे और 5 सेट आपको देखना प्रॉपर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सारा क्वेश्चन यहाँ पे कोई रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो रेगुलरली आप अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए, कैसे भी करके ये सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे रोज कहानी की नायिका है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रोज कहानी की नायिका कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट करिए। ऐसे ही देखिए आप लोग पहले क्या बोले थे कि मतलब आंसर के साथ में देने के लिए, तो हम आंसर के साथ में दे दिए थे। तो आप बाद में बोले जो नहीं, इसमें जो है टिक करके पहले रहता था, तो आप बोले नहीं टिक करके नहीं देने के लिए, हम आपको आंसर बाद में बताएंगे। तो मतलब पहले आप नीचे कमेंट करिए तब हम आपको आंसर बतलाते हैं। देखिए रोज कहानी की नायिका है, तो रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगा। चलिए अब आंसर हम आपको बतलाते हैं, आप चेक करिएगा आपका आंसर सही है या गलत है। इसका आंसर हो जाएगा मालती, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। और लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन गलत हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें लिखा गया है, इसमें बोला जा रहा है मौखिक का विलोम होगा। मौखिक का विलोम है क्या हो जाएगा, मौखिक का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से राइट आंसर कोई एक होगा, तो क्या हो जाएगा, लिखित होगा, अलिखित होगा, कथित होगा या पठित होगा, क्या होगा नीचे कमेंट करिए। और चलिए अब राइट आंसर को देखते हैं, मौखिक का विलोम है तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और इसमें है नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, उदय प्रकाश, अज्ञेय, मलयज और मणि मधुकर। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, मतलब पूछा जा रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है, नीचे आप कमेंट करके जवाब दीजिए। हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, अज्ञेय जी का ये लिखा हुआ है नदी के द्वीप, ये जो रचना है नदी के द्वीप ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये सब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी जाके इसमें लिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये फाइनल क्वेश्चन है मेरे तरफ से। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पानी का पर्यायवाची क्या होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कोई एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वो क्या होगा आप नीचे कमेंट करिए। देखिए हम आपको बतलाते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, नेर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। और अगर आप अभी तक आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। उस पर जो है बराबर रेगुलरली अपडेट चल रही है, तो रेगुलर वहाँ पे ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आते चलेंगे, उसके लिए आपको ऐप को अपडेट बराबर नहीं करना पड़ेगा, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आते चलेगा, तो आप ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें बोला जा रहा है अज्ञेय किस वाद से हैं, अज्ञेय किस वाद से हैं, तो वो जो है कौन से वाद से हैं आपको जवाब देना है। 5 का राइट आंसर अब देखते हैं, हम आपको बतलाते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज बी, प्रयोगवाद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। और देखिए आप हमें जरूर ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए और मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, ये सब आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो नीचे जरूर कमेंट करिए, और बुरा भी लगता है तो वो भी आप बताइए क्यों बुरा लगता है, ताकि हम आगे इम्प्रूव करते चलें। देखिए 6वां क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है कबूतर, तीसरा है कोयल और चौथा है हारिल। तो क्या हो जाएगा, पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा हारिल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर और इसमें है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन बराबर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911,
7 मार्च 1911 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी, और ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनका निधन हुआ था, कब हुआ था वो देखिए, इनका निधन हुआ था 8 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था, यानी इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 और निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। क्लियर। अब देखिए 9 और क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था आखिर कहाँ पे, कौन से जगह पे। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, ये सारा चीज ऑप्शन है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कसया में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप कुशीनगर करके याद रखिए, उत्तर प्रदेश में तो हुआ है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अब आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है आपको जवाब देना है, नीचे आंसर कमेंट करिए। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये जो शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह सही आंसर हो जाएगा। और आप जो है नीचे जो कमेंट करते हैं, आप जरूर ये जो लास्ट में हमें बतलाइएगा कितना आपका सही होता है, आप ये देखते हुए चलो कौन सा क्वेश्चन आप जो है पहले से जो टिक करते हैं वो सही होता है या फिर गलत हो जाता है, तो वो आप देखते हुए चलो। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें है पूर्णिमा का विलोम है, पूर्णिमा का विलोम क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी अमावस्या सही आंसर हो जाएगा। आप कोशिश करिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर हम सारा चीज़ में बोलते चले कमेंट करिए उसके लिए टाइम दे अलग से, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और एग्ज़ाम में मतलब टाइम कम है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी सारा चीज़ कंप्लीट करना है, अभी बहुत सारा चीज़ को देखना है। इसमें अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही अभी सिर्फ देख रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ही है, आगे हम लोग को यहाँ पे 5 तक ये कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम 5 जो है प्रैक्टिस सेट लाएंगे इसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो भी, और उससे काफ़ी अच्छा मार्क्स की आपके एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगा। तो एक लाइक इसके लिए आप जरूर कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, पसंद आ रही है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 में क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म आखिर कब हुआ था, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे चलिए 2 में से यहाँ बतलाइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, काफ़ी दुख भरा दिन था, ऐसा आगे ना आए, उम्मीद तो यही करेंगे। अभी देखिए क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें है गांधी जी चंपारण में कब आए, गांधी जी चंपारण में कब आए या गांधी जी चंपारण कब गए, तो ये सारा क्वेश्चन जो होता है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, मेनली यहाँ पे है चंपारण में गांधी जी कब आए। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1917 को, अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आए थे। फिर देखिए अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, संज्ञा का उदाहरण क्या नहीं होगा, ऑप्शन में है यहाँ पे वह, पटना, सुंदरी, मानव, तो यहाँ पे संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मानव संज्ञा हो जाता है, सुंदरी संज्ञा हो जाता है भाववाचक, ये व्यक्तिवाचक, पटना हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये जो है वह यह क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बतलाइए, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन होते हैं उसका नाम बतलाना है आपको। यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप जल्दी से नीचे कमेंट करिए, आप यहाँ पे कमेंट कर लिए होंगे। अब चलिए राइट आंसर को देखते हैं, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या हो जाता है, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, बातचीत जो है बातचीत चैप्टर पढ़ाए थे हम आपको, गद्य खंड का पहला चैप्टर यह बातचीत, तो मतलब ये आपको रटा होना चाहिए, मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आए आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा विधा है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। ये जो है बातचीत क्या है, एक निबंध है, और इसमें इसके माध्यम से जो है क्या चीज़ बतलाना चाहते हैं, कवि बतलाना चाहते हैं कि बातचीत का शैली आखिर कैसी होनी चाहिए,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए आगे, क्योंकि इसका 3 पार्ट आने वाला है और भी आगे, मतलब टोटल 5 पार्ट रहेगा, जिसमें ये जो है सेकंड पार्ट अभी आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और 3 पार्ट आगे आने वाला है ऑब्जेक्टिव सीरीज में, और फिर 5 पार्ट आगे आएगा सब्जेक्टिव में, फिर ऐसे ही इंग्लिश में और भी सारे सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो उसके लिए आप बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर के रखना होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है 18वां क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या होते हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी, यानी 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल ये अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ग्रामर हिंदी व्याकरण बहुत ही कमजोर है, इसको आप मजबूत करिए। जैसे भी हो आप एजुकेशन मावा ऐप से कोर्स ज्वाइन करके, क्रैश कोर्स ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो, या फिर आप कोई भी अपने बुक से पढ़ के तैयारी कर सकते हो। देखो अगर कोई भी एक वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर एक, कोई खास एक वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इसका ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली मनुष्यों में, मानव में, व्यक्तियों में कैसी होनी चाहिए, वही बतलाते हैं यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट। और ये बातचीत जो है निबंध है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है उर्वशी किसकी रचना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, ऑप्शन ए ऑब्वियसली, दिनकर जी। और दिनकर जी को आप पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे, दिनकर जी को तो आप भूल नहीं सकते हैं, मतलब अपना बिहार के थे और राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं, जन्म इनका बेगूसराय बिहार में हुआ है, तो कैसे भूल सकते हैं इनको। और इनको उर्वशी के लिए पुरस्कार भी मिला हुआ है। और देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ताजमहल, दूसरा है सुंदरता, तीसरा शत्रुता और चौथा अच्छाई। तो अब देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा यहाँ पे पूछा जा रहा है ना ये क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अच्छाई, भाववाचक हो गया क्योंकि ये दिखता नहीं है, बस होता है, महसूस किया जा सकता है। शत्रुता महसूस किया जा सकता है, भाववाचक हो गया। सुंदरता भाववाचक हो गया क्योंकि यह एक मतलब इसका क्या होता है, ये सिर्फ महसूस होता है, मतलब ये सुंदर है, दिखता है। और देखिए वही ताजमहल क्या है, ताजमहल एक व्यक्तिवाचक है जो कि स्पेशल है, पूरे दुनिया में एक ही ताजमहल है, तो ये खास जगह का नाम हो गया, खास जगह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 24वां क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बैनीपुरी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माटी की मूर्ति। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, माटी की मूर्ति भी एक था सही। और आगे देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची मतलब सेम, उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा विभावरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम यहाँ पे टोटल आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं इस यहाँ पे इस सेट में, और अगले सेट में भी हम आपको मिलेंगे ऐसे ही सारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में से आएंगे, तो वही सारे क्वेश्चन हम आपके लिए अगले सेट में भी लेके आएंगे, तो आप ज़रूर देखिए। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाएं, और शेयर कर लीजिए ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ सके और हम आपको रेगुलरली वीडियोस देते चले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।